के मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पांच राज्यों के चुनाव हुए हैं उसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है और ये इस बात का संकेत है कि 2019 भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जिसको लेकर वो चुनाव में जाए। अब इसीलिए वो चाह रहे हैं कि एक बार फिर से देश में धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए, धार्मिक उन्माद पैदा किया जाए और उसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए, जैसे वो हर चुनाव में करते रहे हैं।